वेलकम दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडेंट मेकर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट इस बार दिया है और पास किया है, वह जो बिहार बोर्ड की वेबसाइट ofssbihar.in पर अप्लाई किया था इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए, उसका मेरिट लिस्ट निकल गया है। और उस मेरिट लिस्ट को कैसे देखना है और आपका सिलेक्शन किस कॉलेज में हुआ है, ये सब सारी प्रोसेस हम अभी आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले इसे सब्सक्राइब कर ले और इसके बगल वाले घंटी को ज़रूर दबाए कि जिससे कि हमारा कोई भी न्यूज़ का जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिले। इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार का न्यूज़, भर्ती, सब कुछ का अपडेट्स डाला जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों, 11th का मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, कि आपका एडमिशन किस कॉलेज में होना है वो आप कैसे देखेंगे। चलिए हम आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से बताते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र खोलना है और क्रोम ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में आपको लिखना है, www.ofssbihar.in। दोस्तों आप देख रहे हैं कि वो लिखा गया है www.ofssbihar.in। आपको जो है इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने एक पेज खुलेगी। वो जो पेज खुलेगी, जो सबसे पहला होगा, जैसे लिखा हुआ है कि ofss, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है सबसे पहले आपको ofss.onlinefacilitationsystem, आपको इस पे जो है क्लिक करना है। आप इसी पे क्लिक करेंगे। आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट का पेज खुल जाएगा, ऑनलाइन फैसिलेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट के लिए जो दिया गया है। आपको ये पेज खुलने के बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नोटिस में लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। आपको सबसे पहले ऊपर जाना है और राइट साइड से यहाँ जो तीन लाइन दिया गया है, आपको जो है इन तीन लाइन में सबसे पहले इसी तीन लाइन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको दिखेगा स्टूडेंट लॉगिन। आप स्टूडेंट लॉगिन ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना है। आप स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा आपको, एक इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु आवेदन करने वाले आवेदक यहाँ क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं, दूसरा है स्नातक में नामांकन हेतु आवेदन करने वाले यहाँ क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो जो भी 11th में एडमिशन लेगा यानी इंटरमीडिएट में नामांकन लेगा उसके लिए ऊपर वाला यानी इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु आप इस पर क्लिक करेंगे, जिस विद्यार्थी को इंटरमीडिएट का मेरिट लिस्ट देखना है, ठीक, आप सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, ये ऊपर वाला पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये ऊपर वाला जो आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए आपको आगे बताते हैं, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुलेगी दोस्तों। उस पेज में जो है, जैसे ये पेज खुलेगी, इस पेज में देखिए आपको जो है यहाँ पे लिखा है इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन ofss, ये बिहार बोर्ड का साइट है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ कि अपना मोबाइल नंबर नीचे भरे जिसके माध्यम से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वो मोबाइल नंबर इसमें आपको डालना है, ठीक, वो मोबाइल नंबर इसमें आप डालिएगा और जिस समय आप ऑनलाइन किए थे उसी समय आपको मोबाइल नंबर पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया होगा बोर्ड के द्वारा। आप वो जो पासवर्ड वहाँ आपको मिला था वो पासवर्ड यहाँ जो लिखा हुआ है कि पासवर्ड यहाँ नीचे डाले, इस बॉक्स में आपको पासवर्ड डालना है, ठीक। यहाँ जो नीचे दिया गया कैप्चा कोड है, यहाँ पे आप है ना ऊपर कैप्चा कोड, इस ये नीचे वाला बॉक्स में आपको कैप्चा कोड डालना है दोस्तों, ठीक है। ये मेरा जो है यहाँ पे पहले से डाला हुआ, हम यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के दिखाते हैं, 2249 78, ये मेरा जो कैप्चा है वो है 2249 78। आप जैसे डालेंगे यहाँ पे लिखा हुआ सबमिट, इस पर आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने जो है
आपके सामने दोस्तों जो आपका ऑनलाइन क्या क्या फॉर्म था वो निकल जाएगा। जैसे वो निकलेगा आप जो है आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पे भी तीन लकीर है, आप सबसे पहले इस लकीर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि डाउनलोड इंटीमेशन। आपको सबसे नीचे में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि डाउनलोड इंटीमेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। यानी इसी का हिंदी होता है दोस्तों कि सूचना पत्र, आपका एडमिशन किस कॉलेज में होना है और आपका किस स्ट्रीम से आप अप्लाई किए थे वो सब डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया कि आपके द्वारा भरे गए विकल्प एवं आपके प्राप्तांक एवं आरक्षण के आधार पर आपका चयन किसी भी महाविद्यालय में नहीं हुआ है। दोस्तों ये जो स्टूडेंट था जिसका हम पासवर्ड डाले थे उसका जो है किसी भी कॉलेज में चयन नहीं हुआ है। तो हाँ, जिसका नहीं हुआ वो विद्यार्थी घबराए नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ आप पुनः 26 जुलाई 2018 से 29 जुलाई 2018 तक OFSS पोर्टल में लॉग इन करके न्यूनतम 5 एवं अधिकतम 20 विकल्प फिर से भर सकते हैं, जिसके आधार पर आपका आवेदन दूसरी एवं तीसरी चयन सूची के लिए लिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों कोई आवेदन शुल्क आपको देना नहीं होगा। इसके लिए आपको कोई आवेदन शुल्क देना नहीं होगा, ये एकदम बिल्कुल फ्री होगी, ये बिल्कुल फ्री होगी दोस्तों। इस तरह आप, हाँ, अगर आपका जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है उसका यहाँ पे जो है इंटीमेशन लेटर यहाँ पे दिखाएगा और जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा आपको ये इंटीमेशन लेटर वहाँ ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके पास एक प्रमाण होगा जो कि बताएगा कि इस कॉलेज में आपका एडमिशन होना है। इसीलिए आप इंटीमेशन लेटर और जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसके साथ आप उस कॉलेज में लेके जाए। चलिए हम आपको बताते हैं कि जिसका मतलब कि इसमें आ गया है इंटीमेशन लेटर, यानी जिस कॉलेज में एडमिशन होना है वो सिलेक्शन भी हो गया फिर भी वो चाहता है कि हम बदल लें, तो उसके लिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक नोटिस दिखाते हैं। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि यदि कोई आवेदक उन्हें यहाँ पे जैसे कि 5 नंबर में आप दोस्तों पढ़िए, यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको पढ़िए, यदि कोई आवेदक उन्हें आवंटित महाविद्यालय संकाय विषय संतुष्ट नहीं है और वह दूसरा महाविद्यालय संकाय में चुनना चाहते हैं तो आवेदक के लिए आवश्यक है कि जिस महाविद्यालय में नामांकन के लिए उनका नाम आ चुका है तो वह उस महाविद्यालय में नामांकन अवश्य करा ले। ठीक, अवश्य करा ले। ऐसा होने पर द्वितीय एवं तृतीय चयन सूची जारी होने पर वे उस महाविद्यालय में नामांकन ले सकेंगे। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने नामांकन हेतु उच्च प्राथमिकता दी है इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया है, जिसे स्लाइड अप प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। इस स्लाइड अप प्रक्रिया के द्वारा जो है आप स्लाइड अप प्रक्रिया क्या है यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है, आप इस नोटिस को यहाँ से लेके ये पूरा पढ़िए। ठीक, आपको पता चल जाएगा कि स्लाइड अप प्रक्रिया क्या है। ठीक, और जिस विद्यार्थी का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया वो घबराए नहीं, 26 से पुनः स्टार्ट होगी अप्लाई करने के लिए, 26 से 29 तक डेट है, आप पुनः अप्लाई कीजिए, आपका दूसरा या तीसरा लिस्ट में नाम जरूर आएगा। चलिए, हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि हम जो भी नया वीडियो डालेंगे इस पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों हमारा यह न्यूज़ आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। अगर फिर भी आपको कहीं भी फॉर्म फिलअप में या किसी भी ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट में लिखिए, हम आप उसका ज़रूर समाधान करेंगे दोस्तों। थैंक यू।